हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग अपने मैं अपने सिस्टर के बर्थडे के लिए हम लोग गए थे लखनऊ घूमने के लिए बर्थडे के दिन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि इस वीडियो का पार्ट वन, ये पार्ट टू है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम लोग लखनऊ घूमने के लिए निकले थे और हम लोग लुलू मॉल जाने के लिए निकले थे, बट हम लोग पहले इमामबाड़ा गए थे और फिर अब हम लोग जा रहे हैं लुलू मॉल। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग लुलू मॉल जा रहे हैं और वहाँ एंटर हो चुके हैं, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये लुलू मॉल का पार्किंग एरिया है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद हम लोग फिर अंदर गए थे। तो इमामबाड़ा से लुलू मॉल पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा होगा। आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने पहले वहाँ गाड़ी पार्क करी और उसके बाद हम लोग अंदर गए थे। इसका पार्किंग एरिया ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और ये देखिए मैडम कैसे सब कुछ देख रही हैं बड़ी बड़ी आंखों से। तो बस गाड़ी को पार्क किया भाई ने और उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। तो इसका जो पार्किंग एरिया था यही काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हम लोग तो आने में कंफ्यूज भी हो गए थे कि गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो जो मेरे अप्पे और भाई हैं वो लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे और जो मैं और मेरा भाई था हम लोग एस्केलेटर से ऊपर आएगा, क्योंकि उसको एस्केलेटर से बहुत डर लगता है। ऊपर से वो बेबी को भी लिए थी, इस वजह से और ज़्यादा डर रही थी। तो इसलिए हम लोग वो लिफ्ट से आए थे और हम लोग एस्केलेटर से गए थे। तो अब हम लोग ऊपर जा चुके हैं और हम लोग बस पूरा टहला घूमा। तो बस हम लोग वहाँ सब मॉल देखने के लिए गए थे, इसी पर्पज़ से हम लोग वहाँ गए थे। तो बस हम लोगों ने ज़्यादातर देखा, उसके बाद हम लोगों ने जब लंच टाइम हो उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना भी खाया था। तो मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ, साथ ही साथ दिखाते हुए भी चल रही हूँ। तो जो लोग भी लखनऊ यानी कि लुलू मॉल नहीं आए हैं वो लोग इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा मॉल था, बहुत मज़ा भी आया घूमने में और हम लोगों ने पूरा घूमा भी नहीं था, बस थोड़ा ही घूमा था और फिर हम लोग अपने घर आ गए थे, क्योंकि हम लोग को काफ़ी देर हो रही थी, शाम हो रही थी, इस वजह से हम लोग घर आ गए थे। तो ये मॉल की हाइपर मार्केट है, यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, किचन का और हर एक चीज़ का सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ थी, किचन के सेट से लेकर बाथरूम के सेट तक हर एक चीज़ थी। यहाँ पर डायपर हो, बॉटल हो, कोई भी चीज़, यहाँ पे हर एक चीज़ थी, दाल वगैरह सब कुछ था और हर एक चीज़ का अलग अलग पोर्शन था। हर एक पोर्शन में उसी के हिसाब से चीज़ थी, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ क्रॉकरी का सामान था और उसके आगे किचन के सेट्स वगैरह थे, फिर उसके आगे सब्जियाँ भी थी यहाँ पे और फ्रूट्स भी थे। तो हर एक चीज़ का अलग अलग पार्टीशन था, तो इस वजह से जिसको जो लेना था वो उसी पार्टीशन में जाकर हर एक चीज़ ले सकता था। अब जैसे कि यहाँ पे सारे पाउडर हैं सर्फ वाले, तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं ये भी किचन का जो सारा सामान है, जो क्रॉकरी का सारा सामान आता है वो सब है यहाँ पर। डिब्बे वगैरह थे, कंटेनर वगैरह थे, हर एक चीज़। सब्ज़ी की मार्केट, यहाँ पे आप सारी सब्ज़ियाँ ले सकते हैं और ये है पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा आपको हर कुछ मिल जाएगा। और यहाँ से उन्होंने अपना लंच पैक किया था, यहाँ पे सब कुछ नॉनवेज वाला सेंटर था, यहाँ पे हर एक चीज़ नॉनवेज वाली थी और नॉनवेज में भी कई सारी वैरायटी थी, हर एक वैरायटी के नॉनवेज आपको यहाँ मिल जाएंगे आसानी से। और आगे जो है यहाँ पर रोटियाँ भी सब लगी हैं, अभी मैं आपको सब दिखाऊँगी, पास से भी सब दिखाऊँगी। तो
हम लोग ने भाई मतलब वहाँ चले गए थे उधर लंच पैक करवाने के लिए, और मैं यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कई सारे कबाब की वैरायटी थी, मटन शामी कबाब, मटन सीख कबाब, अजवानी फिश फ्राई, और कई सारी वैरायटी थी मटन की, चिकन की। और ये मैडम देखिए ऊपर देख रही हैं, इनको तो बस कोई जगह मिलनी चाहिए ऊपर देखने के लिए, पंखा फ़ैन वगैरह और लाइटें वगैरह देखने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, तो बस ये चुप्पी वही देखा करती हैं। और यहाँ पे देखिए आपको मैं कई सारी रोटी की वैरायटीज दिखा रही हूँ, और लच्छा रोटी थी, लच्छे पराठे थे, और जो नान होते हैं, जो शीरमाल होते हैं, वो सारी वैरायटीज़ थी। तो हम लोग ने बस अपना लंच पैक करवाया, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। और आगे देखिए यहाँ पे सब डिज़र्ट का है, केक पेस्ट्री हर एक चीज़। तो आप ही का बर्थडे था तो हमने सोचा पहले चलो हम लोग केक ले लेते हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने केक नहीं लिया। हम लोग ऑलरेडी अपना लंच पैक करवा चुके थे और फिर केक नहीं लिया, क्योंकि इतना केक फिर लेना, फिर वहाँ कट करना, कौन सब फालतू खाता है, तो इस वजह से नहीं लिया। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था, तो इस वजह से भी हमने नहीं लिया। 1250 यानी कि 1250 का वहाँ पे केक मिल रहा था एक, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो उन्होंने नहीं लिया। लेने वाले लोग लेते हैं, पर हम लोग के लिए तो था एक्सपेंसिव, तो इस वजह से हमने नहीं लिया। तो फिर उसके आगे हम लोग बढ़े, फिर हम लोग ने कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया था, स्ट्रॉबेरीज ली थी, और बस अपना लंच पैक करवाया था। और ये देखें यहाँ पर सब दाल वगैरह है, दाल पीछे पैकेट वाली भी थी, और यहाँ पर ये खुली हुई दालें भी हैं, आप लोग ये भी ले सकते। तो बस फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पे आपको अदरक लहसुन का पेस्ट है, हर तरह के सॉसेस हैं, चटनी वगैरह जो होती हैं, कई तरह की चटनी थी, और जो सूप वगैरह होते हैं, दाल वगैरह होती हैं। तो इसमें तो कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें ये है क्या, मैंने तो पहली बार देखा था। और हर एक चीज़ आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगी, यहाँ तक अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिल रहा था, और 27 रुपये का 24 ग्राम ऐसा कुछ था वहाँ। अच्छा, अभी तक जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो जल्दी जल्दी जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, और इंस्टा की आईडी भी वही जो मेरे चैनल का नाम है यानी कि टी आर टैलेंट, और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी जाकर आसानी से देख सकते हैं, और प्लीज़ फॉलो कर लें। बस अब हम लोग आगे जा रहे हैं, और फिर हम लोग ऊपर जाके अपना लंच करेंगे। हम लोगों ने नीचे से लंच पैक करवा लिया था बस, और पिज्ज़े के लिए कहा था, पर पिज़्ज़ा हम लोगों ने कहा तो ऊपर ही से ले लेंगे। वहाँ भी ऊपर भी जाके कई सारी शॉप हैं खाने पीने की, जैसे आइसक्रीम वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह है, और पिज़्ज़ा वगैरह है, ये सब ऊपर भी था, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा हम लोग ऊपर जाके ले लेंगे। बस हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ फिर देखते दखते और घूमते घामते बस हम लोग चले गए थे ऊपर, फिर उसके बाद सेकेंड वाले फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर पर, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सोचा कि हम लोग बैठेंगे कहीं और कुछ खाए पिएंगे, जो हमने लंच लिया था वो खाएंगे, उसके बाद फिर घूमेंगे। सुबह से हम लोग निकले थे बहुत ज़्यादा भूखे भी थे, तो इस वजह से भूख बहुत तेज़ से लगी थी, तो पहले सोचा हम लोग कुछ खा लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे घूमेंगे। तो
अब हम लोग बैठ गए यहाँ खाने के लिए, और ये देखिए मेरी प्रिंसेस कैसे आराम से बैठी है, सब कुछ देख रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमने सोचा पहले हम लोग कुछ खा पी लें, उसके बाद फिर घूमेंगे। और मैंने खाने का कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग की इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने वीडियो ऑफ़ कर दी थी। मैंने सोचा बीच में बना लूँगी, पर बीच में फिर मौका ही नहीं मिला क्योंकि हाथ भी गंदे हो गए थे, और फिर इसलिए मैंने फ़ोन नहीं चुवाई। देखिए बस थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैं आपको खाने के बाद का दिखा रही हूँ। तो देखा आप लोगों ने माशा की मस्ती बहुत, अब तो वैसे माशाल्लाह बहुत मस्ती करने लगी है। तो खाने में हम लोगों ने चिकन फ्राई लिया था KFC का, और फ्रेंच फ्राई थे, कई तरह के सॉसेस थे, मेयोनीज थी, और केचप थे, और फ्रूट सैलड था, और सैलड थे। तो बस यही लिया था, और रोटी भी ली थी भाई ने सब्जी के साथ खाने के लिए। तो बस हम लोग ने ये सब खाया पिया, और उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े घूमने के लिए। तो यहाँ से बस हम लोग जाने के बाद नीचे हम लोग फ्लोर पे जो उतर गए थे, आगे नहीं गए थे, इसके आगे फ़न एरिया है, पर हम लोग वहाँ नहीं गए थे। फ़न एरिया वहाँ पे बहुत तरह के खेल हैं और वीडियो गेम वगैरह बच्चों के लिए सब हैं। तो यहाँ हम लोग सारा ऐसा कोई बच्चा था ही नहीं, ना हम लोग को कुछ देखना सुनना था, तो इस वजह से हम लोग फ़न एरिया में नहीं गए थे। वैसे अच्छी जगह है घूमने के लिए, मतलब फ़न एरिया भी, वहाँ भी जाने में मज़ा आती है, और झूले वगैरह तो झूलते भी हैं, सब लोग झूलते हैं, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग को झूलना ही नहीं था। तो हम लोग बस यहाँ से जाने के बाद नीचे से चले गए थे, हम लोग ऊपर बस देखा सुना, देख सुन के नीचे चले गए थे। वापस जा चुके थे, वापस जाने के बाद फिर हम लोग वापस आए मैशा का डायपर चेंज कराने के लिए। तो हम लोग ये चेंजिंग रूम में आ गए हैं, यहाँ पे मैशा का डायपर चेंज हो रहा है, कितना रो रही है ये बहुत अच्छी डायपर चेंज। तो वह हम लोग डायपर चेंज करने के बाद फिर हम लोग वापस चले गए वापस घर आने के लिए। तब हम लोग घूम घाम के निकल चले घर वापसी होने के लिए। काफ़ी शाम हो रही थी और काफ़ी ठंडक भी बढ़ रही थी। घर जाकर हमने बस खाना ने इन्जॉय किया, और उसके बाद भाई चले गए थे। भाई ने तो खाना भी नहीं खाया, तो उन्होंने खाना पैक करवा के वो घर चले गए थे क्योंकि उनको काफ़ी देर हो रही थी। और ये देखिए मैडम अभी तक सो ही रही हैं, ये बस गाड़ी में बैठती बस सो जाती हैं, बस ये घूमी फिरी ये भी सो गई तुरंत। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।